केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी है। अब 5 अगस्त तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है। पहले रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई थी। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले कहा था कि सरकार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट को नहीं बढ़ाएगी। अब उसका कहना है कि देश के कई हिस्सों में बाढ़ आने और आखिरी दिनों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट क्रैश होने की वजह से कई टैक्स पेयर को मुश्किलें आ रही थीं, इसलिए 5 दिन का वक्त और दिया गया है। इससे पहले एक सीनियर ऑफिसर ने कहा था कि 2016-17 का आयकर टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए सोमवार आखिरी तिथि है और इसमें किसी तरह की ढील देने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। आईटी डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अब तक 2 करोड़ से अधिक ऑनलाइन रिटर्न हासिल हुए हैं। आईटी डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर को समय से रिटर्न फाइल करने की सलाह दी है। इस बार आपके आईटी रिटर्न में कुछ अलग सी डिटेल्स आपको देनी पड़ सकती है, जैसे कि बैंक की डिटेल देनी पड़ेगी, जिसमें आपके नाम से चल रहे उन सभी बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स देनी चाहिए जो कि एक्टिव हैं। पहले ITR में उसी बैंक अकाउंट्स की डिटेल मांगी जाती थी जिसमें आप रिफंड लेना चाहते हैं, लेकिन इस बार इनकम टैक्स विभाग ने बैंक अकाउंट की रिपोर्टिंग को लेकर नियमों में बदलाव किया है। साथ ही साथ नोटबंदी के दौरान कैश डिपॉजिट अगर आपने किया है, जैसे कि 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा कैश आपने जमा किया है, तो उसकी डिटेल भी आपको देनी पड़ेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके लिए ITR फॉर्म में अलग सा कॉलम बनाया है। इंटरेस्ट इनकम की डिटेल भी आपको देनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको टोटल इनकम में क्लब करना होगा। अक्सर कई लोग कई अकाउंट होने पर सभी अकाउंट से होने वाली इनकम की डिटेल देना भूल जाते हैं, लेकिन इस बार ये गलती आपको महंगी पड़ सकती है।